हे गाइस, सो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे एंड अच्छे होगे। सो गाइस, आज की वीडियो में ना मैं शेयर करूँगी ये मेकअप लुक। अगर आप लोग का फेयरवेल है, अगर कोई पार्टी में जाना है फेयरवेल लुक के लिए, सो आप मोस्टली फेयरवेल में साड़ियाँ पहना जाता है, सो फेयरवेल में आप इजिली कर सकते हैं सटल सा मेकअप लुक एंड सब लोग ना आपको ही देखेंगे, आपको ही घूरेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे अचीव करा है। एंड ब्लैक बहुत क्लासी लुक है, ब्लैक कलर बहुत क्लासी लुक है, सो डेफिनेटली मैं आप लोग को बताऊँगी कि कैसे अचीव करा है मेकअप लुक। सो गाइस, सबसे पहले ना मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी प्राइमर, बिकॉज प्राइमर के लिए आपकी स्किन ना हाइड्रेट होनी चाहिए। एक तो पहले मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लें एंड देन प्राइमर के लिए आपके पोर्स ना पूरे फिल इन हो जाते हैं एंड आपकी कोई भी जो स्पॉट्स होते हैं वो सब ना ज़्यादातर पोर्स फिल हो जाते हैं। अब फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ शुगर का फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन स्टिक है ये। सो अच्छे से मैं ये एंड मेरा जो शेड नेम है ना वो लाटे में है शेड नेम, एंड अच्छे से ना मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। नहीं ना, बहुत क्रीमी टेक्सचर में है, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका वो कवरेज है। एंड अगर आप ब्राइडल मेकअप किट में अगर आप रखना चाहते हैं, या अगर आपको आपकी कोई किट बनानी है, मतलब थोड़ा कॉस्टली है बट यार ठीक है, इसमें आपको एक तो ब्रश भी मिलता है, सो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपका ब्रश आपका फाउंडेशन। एंड आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, अगर आपको ब्रश से करना नहीं आता हो, ब्रश से कम्फर्टेबल नहीं हो, सो आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं इसको ब्लेंड करने के बाद ना अच्छे से कवरेज फुल दे दूँगी इस अपने फेस को। फाउंडेशन को ना नेक पे भी अप्लाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड आपकी सीमलेस स्किन लगेगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंसीलर, ये है पर्पल का कंसीलर एंड ये ना स्टिक फॉर्म में है ये भी एंड लाइट शेड है। एंड अच्छे से अपने आईज़ को कंसील कर लूँगी जिससे कि जो मैं आई शेडो अप्लाई करूँ पॉप आउट हो एंड अच्छे से मेरा आई मेकअप लुक दिखे। सो ना मैं अपने थोड़ा आईज़ पे लगाऊँगी, थोड़ा नोज़ पे एंड थोड़ा बहुत मैं अपने लिप्स के पास में लगाऊँगी, बिकॉज ये ना स्टिक बहुत क्रीमी टेक्सचर में है एंड बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो गया था। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से कुछ ब्लेंड होता है, मतलब बहुत पैची पैची सा लुक आता है। एंड गाइस, जब भी ना मेकअप शुरू करें ना, उससे पहले जैसे प्राइमर लगाया है उसके बाद आप 2 मिनट वेट करें, फिर आपने जैसे प्राइमर के बाद आपने लगाया फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद भी आप 5 मिनट वेट करें एंड देन कंसीलर अप्लाई करें, तो आपका जो स्किन होगी केकी सी नहीं लगेगी, हमका आपका जो फ्लॉलेस बेस होगा वो भी अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी स्टेक वॉकी का, मैंने यहाँ पे लिया था लूज़ पाउडर एंड लूज़ पाउडर मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज आई थॉट कि मैं कोई शिमर लुक क्रिएट करूँगी। सो शिमर लुक क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा लूज़ पाउडर अप्लाई करना चाहिए, बिकॉज जैसे कि आपके जो भी डस्ट पार्टिकल्स, मतलब जो भी आपका फॉल आउट होगा ना, वो आपके बेस मेकअप को ख़राब ना करेगा। सो अच्छे से एंड जो आपकी जो कंसील पार्ट्स हैं आपको बेक करना है उसे, तो अच्छे से बेक भी हो जाता है। एंड रेस्ट ऑफ आप नॉर्मल कॉम्पैक्ट अप्लाई कर सकते हैं, आपको कॉम्पैक्ट अप्लाई करना हो, बट मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई करा है स्टेक वर्की का। एंड नाउ मैं अब नॉर्मल एक कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, ये पर्पल का कॉम्पैक्ट है, एंड अच्छे से अपने बेस मेकअप को जो मैंने करा है फाउंडेशन एंड कंसीलर के ऊपर मैं अप्लाई कर लूँगी जिससे कि मेरा बेस सेट हो जाएगा। अब मैं अभी यूज़ करूँगी स्टेक वर्की का मिनी पैलेट है ये, 9 शेड मिनी पैलेट, एंड उसमें से एक लाइट ब्राउन शेड लेके अच्छे से अपनी क्रीज लाइन को बिल्डअप करूँगी। सॉरी गाइज, ओके, सो क्रीज लाइन को ब्लेंड अच्छे से बिल्डअप कर लूँगी जिससे कि अच्छे से ब्लेंडेड लुक आएगा। एंड जब भी आप कोई अपने क्रीज लाइन को बिल्डअप लुक देते हो ना गाइज, आपका मेकअप लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड फ्लॉन्ट लगेगा। अगर आप बिगनर्स भी हो सो डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो मेकअप लुक, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने सिर्फ 3 स्टेप मेकअप लुक है, मतलब उससे ज़्यादा तो मैंने स्टेप्स कर रखे ही नहीं है इसमें गाइज। एंड अब मैं उसके बगल वाला शेड लूँगी, थोड़ा डार्क ब्राउन शेड होगा, उसको ना मैं क्रीज के थोड़ा नीचे अप्लाई करूँगी, बिकॉज एक अगर आपका जैसे आप लेयर्स वाइज आई शेडो देखो ना, तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो एंड ज़्यादा आपकी जो मेकअप लुक है उस पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं किस ज़्यादा अफेक्ट आया है, मैंने 2 कलर्स अप्लाई करे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, वेट एंड वाइल्ड का ये है ग्लिटर आई शेडो है एंड ये सिंगल पेन वाला है। सो इसकी पिगमेंटेशन ना बिल्कुल जैसे क्रीम टाइप थोड़ा इसका टेक्सचर था, मुझे पहले टेक्सचर इसका समझ नहीं आया, पर जब मैंने अप्लाई करा थोड़ा स्टिक फॉर्म में है, थोड़ा स्टिकी स्टिकी है अगर आप इसे देखें तो, बट मैंने इसे अपने एज अ लाइनर अप्लाई कर लिया है, मतलब लाइनर की तरह जैसे आप थोड़ा थोड़ा पार्ट्स पे अप्लाई कर लें उसको, लाइनर को सॉरी आई शेडो को। एंड देन मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी लाइनर, सो ये है पर्पल का लाइनर एंड एक नॉर्मल सा विंग क्रिएट कर लूँगी, बिकॉज शिमर शेडोज पे ईजिली लाइनर नहीं बनता है, बट ईजिली ये अलग गया था मुझसे। अब मैं यहाँ पे फॉल्स लैशेज लगा रही हूँ, गाइस लैशेज ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि लैशेज से ना आपका मेकअप अलग ही कॉम्प्लीमेंट करता है एंड अच्छा लगता है आपका मेकअप लुक। सो मैंने लैशेज पॉप आउट कर ली थी, अब जो भी डस्ट ऑफ था ना मैंने वो सारा रिमूव कर दिया था, बिकॉज ऑलरेडी मेरी स्किन बेक हो गई थी एंड अगर आप ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो आपकी स्किन ना बहुत ड्राई एंड फ्लेकी सी स्किन हो जाएगी आपकी। सो अब मैं अपने ब्रोज़ को फिल करूँगी, तो ब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया था ब्लू हेवन का ये था आईब्रो पेंसिल थी ये, ओके, सो ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल थी ये। अच्छे से मैं इसके फिल इन कर लूँगी एंड अच्छे से ब्रश आउट कर लूँगी। आप चाहें तो पाउडर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर वाले अगर आप लोग को अच्छे से फिल करना आता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पेंसिल की तरफ जा सकते हैं, या आप आई शेडो से भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। अब मैं मस्कारा के लिए यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन का मस्कारा। ही मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करा था, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा लुक देगा ये, बिकॉज इसकी ब्रिसल्स ना बिल्कुल डिक्टो सेम लॉरल पैराडाइज जैसे है। मतलब लॉरल पैराडाइज का मस्कारा मैंने आज तक कहीं देखा ही नहीं होगा इस, मतलब इतना अच्छा मस्कारा है वो। हर यूट्यूबर इसका, मतलब जो भी इन्फ्लुएंसर होता है, हर इंसान उसकी तारीफ करता है। सो ये वाला मस्कारा भी बहुत अच्छा है मेबलिन का, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं वाला मस्कारा। अब मैं यूज़ करूँगी फेसेस कनाडा की, ये है कॉन्टोर पैलेट, एंड उसमें से थोड़ा शेड लेके कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को। गाइस कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग ना थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है, मैं आप लोग को कभी अलग वीडियो में बताऊँगी। सो जैसे ब्रॉन्ज अप एंड ब्रॉन्ज कर लूँगी अपने फेस को, एंड आप देख सकते हैं जैसे कि आपकी स्किन, जब भी आप ब्रॉन्ज करेंगे आपकी जो फेस होगा या कॉन्टोरिंग करेंगे, आपका फेस थोड़ा स्लिम और चिजल सा लगेगा। एंड अब ना मैं यहाँ पे एक हैक बता रही हूँ आप लोग को, एक ब्रश लें, उसकी टिप लें, एंड उससे ना साइड में उसको कॉन्टूर करें, तो आप देखना, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, इतना ज़्यादा प्यारा लुक आया, आप देख सकते हैं, मतलब ईजिली कॉन्टोर हो गई मेरी स्किन, मेरी नोज़। अब मैं ब्लश यूज़ करूँगी, ये है एनवाईबे का ब्लश, एंड बेब आई थिंक सो पिंक ब्लश था, मेरा नेम याद नहीं आ रहा शेड का, मैं मेंशन कर दूँगी आप लोगों को डेफिनेटली। सो अब ना मैं अच्छे से ब्लश अप्लाई करूँगी, थोड़ा पिंक कलर टोन में ब्लश था, एंड ये थोड़ा चीक्स पे अप्लाई करूँगी, एंड थोड़ा चिन पे भी अप्लाई करने लगी हूँ मैं आजकल, तो अच्छा लगता है ब्लश, सो आप डेफिनेटली अप्लाई करें ब्लश तो। एंड अब मैं यहाँ पे रेवोल्यूशन का ये लगूँगी हाईलाइटर पैलेट, एंड उसमें से गोल्ड रोज़ गोल्ड शेड था या रोज़ गोल्ड शेड था ये, अच्छे से इसे ब्लेंड करूँगी अपने चीक्स पे, अपनी नोज पे, क्यूपिड्स पो पे, लिप्स के थोड़ा ऊपर, एंड थोड़ी आईब्रोज के इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी, बिकॉज आईब्रोज के इनर कॉर्नर्स पे ज़्यादा अच्छा लगता है एंड डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करता है। अब लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन की लिपस्टिक इन द शेड, मैं आपको शेड ना ज़रूर बताऊँगी, एंड थोड़ा ना लाइट शेड सा, लाइट ब्राउन शेड टाइप था, एंड थोड़ा ऑरेंज इनर टोन थी इसमें। सो लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी, आप चाहें तो बुलेट लिपस्टिक भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको लिप पेंसिल्स जो आती हैं लिप पेंसिल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे मेकअप फिक्सर, सो ये है मैक का प्रेप एंड प्राइम मेकअप फिक्सर, सो ये भी अच्छे से स्प्रे कर लूँगी अपने फेस पे, एंड जैसे कि मेरा मेरा जो मेकअप है लॉन्ग टाइम के लिए वेयर होगा एंड स्टे करेगा मेरे फेस पे, एंड अच्छे से मैं इसे ड्राई आउट कर लूँगी। एंड अब मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना आउटफिट वेयर कर लिया था, मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी एंड एक सीक्वन कलर का सीक्वन ब्लाउज था ब्लैक कलर का ही, एंड मैं अब ईयरिंग्स डालूंगी, ये ईयरिंग्स फ्रॉम एवर स्टाइलिश हैं, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं वाले ईयरिंग्स। सो ये इज माय कंप्लीट लुक गाइस, आई होप आप लोग को मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा। ओह ओह ओह